हेलो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग सरस्वती माँ का नमन करते हैं और इसी के साथ आज हम लोग क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ। और उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें आपसे कि लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा है हेनरीज़ लॉ और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, क्या उसमें आपको कई समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या कहीं उसमें प्रॉब्लम आई? अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर हमारे नंबर पर मैसेज करके आप जो है उस सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमसे आप ले सकते हो। और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड्स एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड्स यानी कि लिक्विड लिक्विड का होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए और उस होमोजेनियस मिक्सचर में ध्यान रहे कि दो लिक्विड्स जो हों वो आपस में सोल्यूबल हों, कम्प्लीटली सोल्यूबल हों यानी कि मिसबल हो, और उनकी मिसेबिलिटी डिपेंड करती है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे यानी कि उनके नेचर पे। और उनका नेचर यानी कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लेते हैं। वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर में हमने देखा कि दोनों जो है पोलर नेचर के हैं और पोलर नेचर के होने के कारण वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी सोल्यूबल होते हैं। और सिमिलरली मिल्क भी जो है वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, कम्प्लीटली मिसबल है, सो दे आर ऑल्सो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। एंड सम ऑफ द सोल्यूशंस जो कि जैसे कि ई मिसबल लिक्विड्स होते हैं और वो होते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। तो वाटर एंड ऑयल के बीच क्या होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का मिक्सअप नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और डेंसिटी के डिफरेंस डिफरेंट होने के कारण उनके बीच एक इंटरफेस बन जाता है, जिस इंटरफेस के कारण वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। तो अक्सर हम लोग वाटर एंड ऑयल के मिक्सर को हेट्रोजीनियस मिक्सर के नाम से जानते हैं, जो कि एक इमल्शन का टाइप है, जो कि हम लोग नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग को जो है डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको जो भी बताया उन सारी बातों को मैंने लिख दिया है, और आप लोग भी जो है साथ साथ कलम कॉपी लेकर के बैठ जाओगे ताकि जो भी हम लोग यहाँ से लिखवाएं, जो भी मैं यहाँ से लिखवाऊँ उस चीज़ों को आप कॉपी में नोट करते चलो, ताकि आपका एक अच्छा खासा नोट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज वी नो सम ऑफ द लिक्विड्स आर सॉल्युबल और मिसबल इन ईच अदर एंड देयर मिसेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो मिसबल लिक्विड्स हैं मिक्सर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर एंड मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एंड ई मिसबल लिक्विड्स मिक्सर ऑफ वाटर एंड ऑयल, ओके। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, एक डायग्राम बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कंटेनर में लिक्विड ए है, सेकंड कंटेनर में लिक्विड बी, एंड इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद अगर वो एक दूसरे में मिसबल हैं तो एक सोल्यूशन ए भी फॉर्म करेंगे। तो एक बात आपको ध्यान रहे कि ये तो यहाँ पर सोल्यूशन बन गया, बट इसके सोल्यूशन से बहुत सारे टर्म्स ऐसे सामने आते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, और वो सारे जो टर्म्स हैं वो टर्म्स होते हैं इनके वेपर प्रेशर, उनके पार्शियल वेपर प्रेशर, उनके टोटल वेपर प्रेशर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमको हम सभी को यहाँ पर पढ़ना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके कंटेनर को हम लोग क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं, और क्लोज कंटेनर में लेने के पीछे रीजन है कि इन लिक्विड्स का वोलेटाइल नेचर। अब देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स के भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सॉलिड के एस्पेक्ट में कम होते हैं, तो सॉलिड के एस्पेक्ट में कम होने से वो रूम टेम्परेचर पर इजली वेपराइज होने लगते हैं। तो जब वेपराइज होंगे तो इनके वेपर्स फॉर्म होंगे, तो इनके जो वेपर फॉर्म होते हैं तो इनके वेपर्स जो है इस पूरे कंटेनर में
कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, और कंटिन्यूअसली मूव करने के कारण जब ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के वॉल पर कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से यहां पर इस कंटेनर के वॉल पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। क्या एग्जर्ट होता है? फोर्स। और ये फोर्स जो कि पर यूनिट एरिया होता है, तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो है इस वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो भी फोर्स एग्जर्ट किए जा रहे हैं पार्टिकुलर एरिया पे, तो प्रेशर कहलाता है। और इस वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर एग्जर्ट होंगे कंटेनर के वाल पर, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। अब रही बात कि वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर दे रहे हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है? तो ध्यान दो, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब रही बात कि यहां से ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग ने 11th में पढ़ा भी होगा इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ ए सिस्टम्स इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि यहां पर दोनों रेट क्या होने चाहिए, तो इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर लिक्विड ए है या फिर लिक्विड बी है, तो सबसे पहले जब हम इस वेपर प्रेशर को समझ लेते हैं, तो देखो यहां पे एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, ठीक है? और चूंकि हम जानते हैं कि अगर इस कंटेनर को ओपन रखेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि लिक्विड जो है वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, अगर इस कंटेनर को ओपन रखते हैं, तो ओपन रखने से क्या होगा कि इसके जो भी वेपर फॉर्म होंगे वे सारे वेपर जो है यहाँ से निकल करके बाहर चले जाएंगे, और बाहर जाने के बाद यहाँ से इनके द्वारा प्रेशर एग्जर्ट उतना नहीं हो पाएगा। सो हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने से क्या होता है कि सारे वेपर के मॉलिक्यूल्स इसी कंटेनर के अंदर रहेंगे। अब टाइम के साथ साथ इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में इस कंटेनर के एम्प्टी स्पेस को फिल करने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे स्पेस फुलफिल हो जाएंगे। तो फुलफिल होने के कारण यहाँ पर कोई भी स्पेस खाली नहीं रहेगा, और साथ ही साथ इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं फर्दर कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो जैसे ही कंडेंस होंगे और लिक्विड फॉर्म में आए, तो यहाँ का स्पेस खाली हो गया, और यहाँ का स्पेस खाली हो गया, तो फिर इस स्पेस को फिल करने के लिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फर्दर वेपराइज होंगे, फिर कुछ और गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर के मॉलिक्यूल्स जो है कंडेंस होंगे, फिर वो उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए वेपराइज होंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जो है चलता रहता है। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो इस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो भी वेपर का मैक्सिमम अमाउंट होगा, जिसके कारण इस कंटेनर के वाल पर प्रेशर एग्जर्ट किए जा रहे हैं, तो उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर जब भी एग्जर्ट होगा वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और साथ ही साथ वो अपने
इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ओके, तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो हमने दो लिक्विड लिया तो इन दोनों लिक्विड्स के अपने अपने वेपर होंगे और उन वेपर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, उनका अपना वेपर प्रेशर होगा। तो हर एक लिक्विड का इंडिविजुअली, ठीक है, जो अपना प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, वो उनका प्योर वेपर प्रेशर कहलाता है। और इसके वेपर प्रेशर को हम लोग पीए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके वेपर प्रेशर को पीवी नॉट से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पीए नॉट और पीवी नॉट क्या है, ठीक है। तो पीए नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पीवी नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। अब जो है जब इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने के बाद यहां पर लिक्विड ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो जब दोनों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे और अभी भी ये जो है लिक्विड स्टेट में ही है, तो जब लिक्विड स्टेट में है तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो है अपने वोलेटाइल नेचर के होने के कारण यहां से वेपर फॉर्म करेंगे और इनके द्वारा भी इस कंटेनर के वाल पर अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर एग्जर्ट होगा। और यहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स दोनों के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होंगे तो वो कहलाएंगे पी ए और प्लस पी बी, क्योंकि दोनों के थ्रू जो है यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों के सम को हम कैसे बोल सकते हैं तो पी टोटल से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इस बात का और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो हमने लिखा है पी और पी बी, यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं। नॉट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये प्योर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर है, ये इम्प्योर हो गया। तो यहाँ से पी और पी बी क्या है, तो पी ए और पी बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर से। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेपर्स ऑफ ए इंडिविजुअल लिक्विड इन द सोल्यूशन और इन द मिक्सचर, यानी कि किसी सॉल्यूशन और मिक्सचर में किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के द्वारा जो भी प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उस प्रेशर को हम लोग नाम देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पी ए और पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां से इन सब के बारे में हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर द प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ गए? तो यहां से ये प्योर वेपर प्रेशर हो गया और ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब रही बात कि यहां से क्या होता है, ये तो हमने समझा। तो यहीं से जो है रॉड्स लॉ का रॉड्स लॉ यहीं से आते हैं, ठीक है। तो अब उस रॉड्स लॉ के बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है। सो आप क्या करो कि पहले इसको नोट डाउन कर लो और ताकि हम जो है इसको इरेज करके और फिर हम आगे बढ़ें। और एक बात और आप याद रखना, अक्सर मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वेपर के बारे में, ठीक है, तो वेपर तो आप समझते हो और गैस भी समझते हो, तो आप हमें बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, ठीक है। तो देखो मैं ही बता देता हूं, वेपर एंड गैस में क्या डिफरेंस है। तो गैस इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन द गैसियस स्टेट, एंड वेपर इज ऑल्सो द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बट दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि वैसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसका गैसियस फॉर्म रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो वेपर कहलाते हैं, और वैसे सब्सटेंस जिसके गैसियस फॉर्म रूम टेम्परेचर पर भी गैसियस
गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो गैस कहलाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा वाटर वेपर के बारे में, ठीक है, कि वाटर वेपर को आप जैसे ही रूम टेम्परेचर पर लेकर आओगे वो क्या होता है कि वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो वेपर फॉर्म में होता है। अगर आप उसको बॉयल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो गैसेस फॉर्म उनका वेपर वेपर कहलाता है। क्योंकि उसको जब हम रूम टेम्परेचर पे उस गैसेस फॉर्म को जब हम रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे तो वह अपने लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पर वेपर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये सब लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा जस्ट कि हमारे पास दो लिक्विड्स थे, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है, और यहां से इनका जो सोल्यूशन बनाया था मैंने, सोल्यूशन ए बी। मैंने अभी आपको ये भी बताया कि सभी लिक्विड जो आपने बोला डाई नेचर के कारण वेपर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में है, यानी कि एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं है, तो इनके द्वारा जो भी वेपर प्रेशर होगा वो उनका प्योर वेपर प्रेशर होगा। और प्योर वेपर प्रेशर का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ए नॉट और पी बी नॉट से, ओके। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन ए भी यहाँ पर दोनों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, तो इन दोनों के कंपोनेंट्स के होने के कारण यहाँ जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहे हैं वो ए और बी दोनों के कारण हो रहे हैं। तो यहां से जो होगा P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी, पी ए और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब रही बात कि यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यहां जो इस कंटेनर के वाल पर जो प्रेशर एग्जर्ट किए जा रहे हैं वो ए और बी के द्वारा इक्वल प्रेशर होंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जब इक्वल प्रेशर नहीं होंगे तो आखिर वो प्रेशर किसके इक्वल होंगे, कितने होंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने हम लोग ये देखते हैं कि इस वेपर फॉर्म में किस कंपोनेंट का क्वांटिटी अधिक है, यानी कि किस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन अधिक है, और उसके कंसंट्रेशन को हम लोग मास के टर्म में, यानी कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में सपोज कि यहाँ पर इसके वेपर फॉर्म में ए कंपोनेंट्स के वेपर ज्यादा है, अधिक है, तो ए के द्वारा जो एग्जर्टेड प्रेशर होगा वो हाई होगा विद रिस्पेक्ट टू द बी। या फिर मान लो कि यहाँ पर बी कंपोनेंट्स के वेपर अधिक है, तो वहां जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा एग्जर्ट होगा वो बी का अधिक होगा। तो ये डिपेंड करता है पी ए और पी बी जो कि पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए और बी का सॉल्यूशन में, तो वो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से ही एक टर्म आता है कि एक सॉल्यूशन में जो पी ए होगा यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, तो काई ए। काई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन तो मैंने आपको बताया था। और यहां से पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई बी। यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद यहां से आपका जो हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी, ठीक है। तो ये एक जो रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन जो होता है वो रॉड्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है। किसका एक्सप्रेशन होता है, तो रॉड्स लॉ का।
तो ये रॉबर्ट्स लॉ क्या कहते हैं, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो रॉबर्ट्स लॉ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि लिक्विड जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो उन वोलेटाइल नेचर के लिक्विड्स का सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पर है, और वहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर सॉल्यूशन में, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज रॉबर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये रहा रॉबर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। अब इसी लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम यहां से टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर जो कि हमें डाल्टन्स लॉ से मिलता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां से देखिए, नाउ फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा उसके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से पी ए का वैल्यू आप देख सकते हो, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, यहां से हमने एक्सप्रेशन से लिख दिया यहां पर। अब जो है यहां से पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट वन माइनस काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। अब यहां वन माइनस काई बी कहां से आ गया, तो काई ए इजक्वल टू काई ए प्लस काई बी इजक्वल टू वन होता है, जैसा कि आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो वन की इक्वल होता है। तो जब दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम वन की इक्वल हो और एक कंपोनेंट का अगर आपको निकालना हो तो वन दूसरे को निकालने के लिए क्या करोगे, वन माइनस काई बी। ठीक है, तो यहां से आप लिख भी सकते हो सिंस काई ए इक्वल टू वन माइनस काई बी बिकॉज द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू वन। ये चीज हो गया, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां से जो P टोटल होगा आपका पी ए नॉट माइनस
पीएन और काईबी, ठीक है, प्लस पीबी नॉट काईबी। अब ये बताओ क्या हम इसको प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, तो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट काईबी माइनस पीए नॉट काईबी, ओके। यहां से पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, काईबी है, काईबी क्या हो जाएगा पीबी नॉट माइनस पीए नॉट काईबी। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिला, तो इस रिलेशन से ठीक है आप क्या कर सकते हो कि पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पीए नॉट काईबी, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये। अब इस रिलेशन को हम लोग आगे यूज करते हैं, जिससे ग्राफ समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लो ताकि हम इसको इरेज करें। हाँ तो बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा एक रिलेशन जो कि टोटल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर में एक रिलेशन था, जो कि ये है आपका पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काईबी, ठीक है। ये अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा और इस रिलेशन से अभी जो है हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पढ़ने जाएंगे। तो यहां से देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वन साइड देखिए ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को और वाई एक्सिस पे यूज कर रहे हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो यहां से मोल फ्रैक्शन अगर हम ए का ले और बी का ले, यहां भी मोल फ्रैक्शन ए का ले और बी का ले। तो यहां पर हमने जो दो एक्सिस लिया है, दो एक्सिस दो कंपोनेंट के लिए गया। तो यहां से ए कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं तो वन और बी के लिए जीरो, यहां से ए के लिए ले रहे हैं जीरो और बी के लिए ले रहे हैं वन। इसका सेंस ये हुआ कि इस एक्सिस पर हम लोग ए कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे और इस एक्सिस पर हम लोग बी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे। और आप जानते हो अच्छे से कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई, यानी कि प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहां से इन दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का प्रेशर जो कि उसके वेपर के द्वारा एग्जर्ट होगा उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट, अब चूंकि ये एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए था तो यहाँ पे हम लोग इसका प्योर वेपर प्रेशर यूज करेंगे पीए नॉट और यहाँ पे पीबी नॉट यूज करेंगे, ठीक है। अब आपके यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक को हमने हाई लेवल के लिए, एक को लो लेवल के लिए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो रीजन है इसका इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं। तो यहां से पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो पॉजिटिव आ रहा है। जब दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा इसका मतलब यह है कि पी वी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, ओके। तो यहां से पी वी नॉट बड़ा है, पी ए नॉट छोटा है। और अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो हमने फिगर ड्रॉ किया था कि दो लिक्विड्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने में जो सोल्यूशन बनता है, तो उस सॉल्यूशन में ठीक है एक कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन या फिर दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता है। किसी एक कंपोनेंट का हाइयर होगा तो किसी एक कंपोनेंट का लोअर होगा। तो एक बात जान लो आप कि जिस सॉल्यूशन में जो भी टोटल वेपर प्रेशर एग्जर्ट होंगे
वो बैकवर्ड प्रेशर किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं, ना कि सबके। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपने देखा कि जो टोटल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, काई बी पे। तो काई पे डिपेंड यानी काई ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब काई ए का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, तो यहां से उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहां से बी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि यहां से जो बी का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बी कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो, मिक्स किए तो यहां से टोटल वेपर प्रेशर मिल गया। ठीक है, तो अब देखो जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये मिक्सर का है, मिक्सर में हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर पीए, और यहां मिक्सर में पीबी, यहां से पी टोटल इज इक्वल टू टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है, पीए प्लस पीबी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में ये देख रहे हो कि जो टोटल प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, और वो ग्राफ क्या है, लीनियरली है। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से जो आपने इसका कंक्लूजन भी देखा, और अब जो है ये आपका ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लो।